कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की ब्रज में अपनो एंट्री, राधा रानी पर बयान देना पंडित प्रदीप मिश्रा को पड़ा भारी, प्रेमानंद जी महाराज और पंडित प्रदीप मिश्रा की सुलह की खबरें हैं फर्जी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के राधा रानी को लेकर दिए बयान का विरोध बढ़ता जा रहा है। सोमवार के दिन ब्रज तीर्थ देवालय न्यास की ओर से एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्रज के साधु संत और ब्रजवासियों ने मिश्रा को लेकर एक ऐलान किया है कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को अब ब्रज में नहीं घुसने दिया जाएगा। इस महापंचायत में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, दाऊजी, राधाकुंड, गोवर्धन आदि जगहों से साधु संत और ब्रजवासियों ने भागीदारी की थी। इसी के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी के ऊपर टिप्पणी करने के मामले को लेकर बार बार तहरीर देने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, जिसके बाद से साधु संत और ब्रजवासियों में उबाल दिखाई दे रहा है। साधु संतों का ये कहना है कि जल्द से जल्द पंडित प्रदीप मिश्रा के ऊपर मामला दर्ज किया जाए, अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा संत समाज आंदोलन करेगा। ब्रज में हुई महापंचायत के अंदर साधु संतों ने पंडित प्रदीप मिश्रा को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि मिश्रा अगले 3 दिन में क्षमा मांगे या फिर बरसाना के राधा रानी मंदिर में उनका आजीवन प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा। इसके अलावा ब्रज 84 कोस के सभी मंदिरों में उनके प्रवेश पर बंदिश लग जाएगी। बीते दिनों पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी को लेकर एक टिप्पणी कर रहे थे, जिसके चलते समस्त ब्रज में पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। इन सारी खबरों के बीच एक खबर ये भी आई थी कि पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज के बीच किसी प्रकार की बातचीत हुई है, जिसमें इन दोनों के बीच सुलह की बात सामने आई थी। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के प्रतिनिधियों का ये कहना है कि महाराज जी और पंडित प्रदीप मिश्रा के बीच किसी भी प्रकार की चर्चा या वार्तालाप नहीं हुई है, न ही किसी भी तरह का कोई सुलह समझौता हुआ है। इस बात को भी उनके प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया। पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज बहुत ही वायरल हो रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय, जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने प्रदीप मिश्रा और पूज्य महाराज जी के बीच में सुलह करा दी है। हम आपको ये पुष्टि करना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी फोन कॉल प्रदीप मिश्रा या मंत्री जी की तरफ से हमारे पास नहीं आया है और ना ही दोनों के बीच में कोई किसी भी प्रकार की सुलह हुई है। हाल ही में पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने कुबेरेश्वर धाम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, लेकिन उस प्रेस वार्ता में भी इस विषय को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ कावड़ यात्रा और गुरु पूर्णिमा के विषय में आज इस प्रेस वार्ता को बुलाया है। जब लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज और राधा रानी पर दिए गए बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उनका ये कहना है कि इन दो विषय के अलावा मैं किसी भी विषय पर बात नहीं करूँगा। सवाल पंडित प्रदीप मिश्रा की इस चुप्पी पर उठता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा आगे क्या कदम उठाने वाले हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।